इन सबके बावजूद आप देखिए बीजेपी और एनडीए पूरे देश भर में स्ट्रांग हो रही है। अच्छा, तेलंगाना में एक स्ट्रांग ज्वाइन कर लिए, बिहार में देखिए। मैं लास्ट जो सुना था कि अकाली दल बीजेपी को छोड़ दी, सब पार्टियां इनको छोड़ रहे हैं और खुद बिहार में उनकी जो एक सहयोगी पार्टी थी उनके खिलाफ लड़ा, लोगों की लाशों के मीनार लग रहे हैं, गंगा में लाशें बह रही हैं, ज़मीन से लाशें निकल रही हैं और आप कह रहे हैं कि मजबूत हो रहे हैं, गरीब भारत का मर रहा है और एनडीए अगर मजबूत हो रही है गरीब के मरने पर, तो फिर इस मजबूती का क्या फ़ायदा मेरे भाई? जब गरीब को दवा नहीं मिलती है, गरीब बेरोजगार हो चुका है, खाने को खाना नहीं है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और इनकी तबाही और बर्बादी पर अगर एनडीए मजबूत हो रही है तो फिर इसको मजबूती कहेंगे आप? हाँ, वैक्सीन फ्री में देंगे, कब देंगे? हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक, हम खाक हो जाएंगे मोदी जी को खबर होने तक। कितने वैक्सीन आप देंगे जुलाई में? जुलाई में फ्रंट लाइन वर्कर्स को, स्टाफ को और ओवर 45 जो एज के लोग हैं उनको 30 करोड़ वैक्सीन होना। आपने सुप्रीम कोर्ट को जो 9 मई को एफिडेविट दिया उसमें कह रहे हैं कि जुलाई में मोदी सरकार 13 करोड़ 20 लाख वैक्सीन देगी। अब ये एडिशनल 17 करोड़ क्या मोदी जी मैजिशियन है? ठीक है, आप लोगों की नज़र में वो बहुत बड़े गॉड भी हो सकते हैं, मगर वैक्सीन बनाने के लिए तो 3 महीने लगेंगे ना, आम फाड़ करने से तो नहीं आ जाएगा ना। ये वैक्सीन ऐसा है, आप भक्तों के लिए कह रहा हूँ कि टोपी से खरगोश निकालना आसान है, टोपी से फूल बनाना आसान है, मगर टोपी से ये नहीं निकलता वैक्सीन। वैक्सीन के लिए साइंटिस्ट को फैक्ट्री में बैठ के बनाना पड़ता है, उसके लिए पैसे देना पड़ता है, वो उन्होंने किया ही नहीं। तो जुलाई में ही 17 करोड़ वैक्सीन कम पड़ने वाले हैं, कहाँ से लाएंगे? क्या दिसंबर तक 213 करोड़ वैक्सीन आ जाएंगे? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बंगाल में भले बीजेपी सरकार में नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन गया है, तो अब क्या लग रहा है तेलंगाना में जिस तरह से बीजेपी ज्वाइनिंग करा रही है यहाँ के मजबूत ओबीसी लीडर को, तो तेलंगाना में भी आपको लगता है कि देखिए, ये नागार्जुन सागर का एक बाई इलेक्शन हुआ था ना, जमानत भी नहीं बचा पाए बीजेपी के लोग। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर का एमएलसी का इलेक्शन हुआ, हार गई बीजेपी। नलगुंडा महबूब वरंगल खम्मम का एमएलसी इलेक्शन हुआ ग्रेजुएट्स का, बीजेपी का 4th नंबर पे चले गई। अब आप लोगों की नज़र में ये सब अच्छा दिख रहा है तो भाई मुझे नहीं मालूम, या तो आपकी दिमाग का नंबर ज़रा कम हो चुका है, आँख का नंबर कम हो सकता है या बढ़ सकता है, मगर ये दिमाग का नंबर अगर आप लोगों का कम हो रहा है तो फिर इसका इलाज मेरे पास नहीं है। जीएचएमसी में उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, जीएचएमसी में आप बताइए कि सेकेंड वेव में कहीं नजर आए बीजेपी आपको? इतने लोग जो बीमार पड़ रहे थे, पीड़ित परिवार के पास कोई नहीं गए? हाँ, कहाँ गए? मौत में गए, मौत में गए या जिंदगी में गए? इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।